टीवी की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी की खबर सुनकर पूरा देश फिर हिल गया। बुरी हालत में श्वेता तिवारी को अस्पताल जाते देखा गया तो लोगों की सांसें थम गई। श्वेता की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्वेता के करीबी से पता चला कि वो 2 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक रात में उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में श्वेता तिवारी को अस्पताल ले जाया गया। खबरें तो ऐसी हैं कि श्वेता काफी टाइम से किसी बात की टेंशन कर रही थी, जिसका असर उनके हार्ट और दिमाग पर भी पड़ सकता था। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ महीनों में हार्ट अटैक ने कई स्टार्स की जिंदगी छीन ली। सिद्धार्थ शुक्ला पिछले महीने हार्ट अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह चुके, और जब श्वेता तिवारी की तबीयत की खबर सुनी तो उनके भी हार्ट अटैक की आशंका लगाई जाने लगी। लेकिन आपको बता दें कि श्वेता तिवारी को हार्ट अटैक नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हुई और वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्ट्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार काम के चलते बिजी थी। मौसम में हो रहे बदलाव और काम के प्रेशर के चलते श्वेता की तबीयत बिगड़ गई। श्वेता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और वो जल्दी घर लौट आएंगी। श्वेता तिवारी की टीम ने उन लोगों को धन्यवाद कहा जो लगातार एक्ट्रेस की हेल्थ अपडेट जानने के लिए फोन कर रहे थे और उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। टीम के मुताबिक श्वेता जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगी, लेकिन तब तक उनके फैंस को धैर्य बनाकर रखना होगा। श्वेता तिवारी बीते दिनों खतरों के खिलाड़ी 11 के फिनाले एपिसोड की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी पहुंची थी। ये एपिसोड हाल ही में टीवी पर ऑन एयर हुआ है। श्वेता तिवारी इस एपिसोड में कंटेस्टेंट के साथ जमकर मस्ती करती नजर आई थी। खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर अर्जुन बिजलानी बने, लेकिन दर्शकों ने श्वेता को भी बहुत पसंद किया। फिनाले से श्वेता के कई वीडियोस वायरल हुए, जिसमें वो दिव्यांका त्रिपाठी के साथ मौज मस्ती करती नजर आई। इस बीच श्वेता की कई लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। दिव्यांका त्रिपाठी इसमें पहले नंबर पर है। सेट पर दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। श्वेता और दिव्यांका टीवी की सीनियर एक्ट्रेस है जिनके बीच अच्छे संबंध है। वहीं आपको बता दें, श्वेता तिवारी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। जब श्वेता तिवारी खतरों के खिलाड़ी में गई थी, तब भी उनके पति अभिनव कोहली ने उन पर आरोप लगाए थे कि श्वेता उनके बेटे को घर में अकेला छोड़कर शूटिंग करने गई है। श्वेता आए दिन अपने पति के स्टेटमेंट का सामना करती रहती है। 20 जून को हर बच्चे ने अपने पिता के साथ अपने अपने खास ढंग से फादर्स डे मनाया। आम जनता से लेकर टीवी इंडस्ट्री के लोगों तक ने अपने पिता के साथ के दिलचस्प किस्से और भावुक किस्से शेयर किए। वहीं एक पिता ऐसा भी दिखा जो इस दिन अपने बच्चे के लिए तड़पता दिखा, रोता दिखा और हारता दिखा। उसने अपनी आंखों के सामने फादर्स डे पर अपने बच्चे को खो दिया और उसे ना देखने की हार मान ली। जी हाँ, हम बात टीवी के चर्चित कपल श्वेता तिवारी और अभिनव शुक्ला की कर रहे हैं, जो अक्सर अपने पर्सनल विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दोनों काफी टाइम से अलग हैं और हर बार इन दोनों के बीच का झगड़े का कारण इनका मासूम बनता है। अभिनव शुक्ला ने एक बार फिर से अपने 4 साल के बेटे रियांश को लेकर भावुक वीडियो शेयर की और श्वेता तिवारी की असलियत दिखाई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। अभिनव की ये बात सुनकर लोग श्वेता तिवारी पर भी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग अभिनव को ड्रामा भी बता रहे हैं। अब आप ही पूरा मुद्दा जानकर बताइए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इन दोनों के बीच बेचारा रियांश क्यों पिस रहा है? जैसे श्वेता तिवारी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए केप टाउन में है, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अभिनव कोहली अपने बेटे रियान से मिलने के लिए बेताब दिखाई दिए और हर तरह के पैतरे अपना रहे हैं। हालांकि अभी तक वो नाकाम ही रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर श्वेता से टक्कर लेने का एक भी मौका वो छोड़ते नहीं है। श्वेता के बाहर जाते ही अभिनव ने बेटे को अपने पास रखने की सारी कोशिशें कर डाली। यहाँ तक कि मामला महिला आयोग और कोर्ट तक भी पहुँच गया। बावजूद इसके अभिनव के हाथ कुछ नहीं लगा और वो अपने बेटे को पा नहीं सके। और फादर्स डे के मौके पर अपने बेटे को मिस कर रहे अभिनव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने वीडियो बनाई और बताया कि श्वेता उनके बच्चे के साथ क्या क्या कर रही है, मर्दों के हक की बात कही है। अभिनव कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर अपने हक की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। अभिनव ने बातों बातों में कहा कि आदमी के बचाव के लिए भी एक कानून बनाना चाहिए, जो उन्हें बच्चों को बाप से दूर रखने में और झूठे आरोपों से बचा सके। अभिनव वीडियो में कहते दिखे, आज फादर्स डे है और आज भी मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाया, उससे मिल नहीं पाया, उसकी एक झलक देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। पिछले साल भी नहीं मिल पाया था, बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गया हूँ।
एक दो दिन में श्वेता वापस आ जाएगी। जब मेरे बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और मेरा बच्चा बिना माँ बाप के एक कमरे में पड़ा रहता था, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बिना माँ बाप के वो मासूम कमरे में क्या करता होगा। चीखता ही होगा। तब 1.5 महीने का था और अब वो बड़ा हो गया। वो जितना बड़ा होता जा रहा है वो उतना ही हमसे दूर होता जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे अपने पास बुलाने की, हाथ पैर मारे, लेकिन मैं हार गया हूँ, मैं उससे नहीं मिल सका। वही वीडियो के साथ कैप्शन में अभिनव लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि औरतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अब मर्दों के बचाव के लिए भी कोई कानून बनाया जाए जो बच्चों को बाप से दूर रखने में और फर्जी केस से बचा सके। उन्होंने आगे कहा, मेरे जैसे बहुत सारे आदमी हैं जो कई लड़ाइयां हारे हैं और हार के बैठे हैं, लेकिन जंग अभी भी बाकी है। कई लड़ाइयां हारूंगा मैं, लेकिन हार से सीखूंगा, शक्ति लूंगा और लड़ता रहूंगा, क्योंकि लड़ना जरूरी है। आज मेरे साथ जो हो रहा है कल ये मेरे बेटे के साथ भी होगा। मेरे साथ जो होना है वो तो हो ही रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ भी यही हो। अभिनव यही नहीं रुकते और कहते, मैं जितनी बार हारूंगा उतनी बार फिर उठूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं अपने बच्चे से मिलकर रहूंगा। ये मेरे बच्चे का हक है, वो अपने बाप से मिले, और ये मर्दों का हक है, उसके खिलाफ कोई तो कानून बने। हमारे जज्बात ना कुचले जाए, हमारी आज़ादी भी ना छीनी जाए। बता दें, पिछले साल से श्वेता और अभिनव अलग हो गए। बेटे रियांश की कस्टडी को लेकर दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक इनका मामला सुलझा नहीं है। तो आप भी इस कपल को लेकर अपनी राय जरूर दें। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ महीने पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी और वहीं अभिनव कोहली ने भी कहा था कि श्वेता उनके बेटे को उनसे दूर कर रही हैं। और एक बार फिर से श्वेता तिवारी इन्हीं कुछ मुद्दों की वजह से चर्चा में आ गई हैं। खबरों की माने तो श्वेता के खिलाफ जालसाजी करने के आरोप में बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है। श्वेता तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अभिनव कोहली के नकली साइन करवाए हैं। जी हां, श्वेता के पति अभिनव ने ही उनके खिलाफ 3 महीने पहले ही ये शिकायत दर्ज करवाई थी। अभिनव कोहली ने 3 महीने पहले कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्वेता उनके 4 साल के बेटे रियांश को उनसे मिलने नहीं देती हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया था और कहा था कि उनके फर्जी साइन कर बेटे के लिए ब्रिटिश वीजा बनवाया है। और कहा जा रहा है कि अगर श्वेता पर लगा यह आरोप सच हुआ तो यकीन मानिए श्वेता को 14 साल की जेल हो सकती है। एक इंटरव्यू में अभिनव कोहली ने कहा कि श्वेता के खिलाफ उनके पास सबूत भी हैं। अभिनव का कहना है कि श्वेता उनके बेटे को अमेरिका या फिर यूके लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि इन देशों के कानून के मुताबिक बच्चे के वीजा पर दोनों पेरेंट्स के साइन जरूरी होते हैं, जबकि उन्होंने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए। अब भले ही अभिनव कोहली का ये कोई नया ड्रामा हो श्वेता को फंसाने के लिए, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो श्वेता के साथ उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।